उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाणिज्य कर के सचल दल ने चेकिंग के दौरान कर चोरी के शक में एक फ्लाईवुड से भरे ट्रक को पकड़ा और उस ट्रक को कार्यालय पर खड़ा करवा दिया है, लेकिन ट्रक ड्राइवर ट्रक को वहीं खड़ा करके फरार हो गया। ट्रक ड्राइवर के भाग जाने के बाद सचल दल को कुछ शक हुआ और ट्रक की तलाशी के दौरान सचल दल के सदस्य ट्रक में मिले सामान को देखकर भौचक्के रह गए, क्योंकि ट्रक में फ्लाईवुड के नीचे सैकड़ों की संख्या में हरियाणा की शराब की पेटियां भरी हुई थी जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। शराब की पेटियां देखकर वाणिज्य कर अधिकारी ने तत्काल उसकी सूचना डीएम हाथरस को दी। वहीं डीएम ने सदर कोतवाली और अबकारी विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजकर शराब की पेटियों को जब्त करवा दिया। आपको बता दें कि होली के मद्देनजर शराब माफिया अवैध शराब की तस्करी के लिए पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपना रही हैं। हाथरस में भी शराब तस्करों में पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ट्रक में फ्लाईवुड के नीचे शराब की सैकड़ों पेटियां को छुपाकर ले जा रहे थे, जिसे मथुरा रोड पर वाणिज्य कर सचल दल द्वारा कागजातों में कमी के चलते पकड़ लिया गया और विभागीय कार्यालय पुरानी कलेक्ट्रेट में ट्रक को खड़ा करवा दिया। वहां ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें शराब की पेटियां बरामद हुई, जिसे अबकारी विभाग और इलाके की पुलिस टीम ने जब्त कर लिया है। सूत्र बताते हैं कि यह शराब हरियाणा के अंबाला जिले में लाई जा रही थी और आगरा पहुंचाई जानी थी। वहीं इस पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों और करोड़ों के बीच में बताई जा रही है। इसमें सूचना हमारे पास मिली थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर कल भी रात में भी लगाया था, तो आज भी लगाया था। तो जैसा उसमें पहले बाहर से प्लाई व्लाई रखे हुए थे, तो एक बार चेक किया गया। चेक करने के बाद इसमें पता चला कि इसमें दारू वगैरह है, लगभग 400 पेटी 440 पेटी इसमें पाई गई है। बाकी विस्तृत इसमें जानकारी की जा रही है कि पेटी कहाँ से लोड हुई थी, किसने इसको सप्लाई किया था, इसका किसके नाम से बिल बना था, बिल का पीछे क्या कारण था, वो पूरा होलिस्टिक एक जांच होकर के बाद से। सर, गिरफ्तार कोई पकड़ा गया सर? अभी तो कुछ नहीं पकड़ा गया, अभी तो सर यहीं के गाड़ी मिली है, अब कोई ड्राइवर होगा। हाथरस से अनिल दीक्षित की रिपोर्ट।